ओके, गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं। आज एनटीपीसी की अगली क्लास करते हैं। मैं एकदम राइट 7 बजे आ चुका हूँ। चलिए, आज की 22वीं क्लास है एनटीपीसी की। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि एनटीपीसी की प्रीवियस क्लास का, प्रीवियस ईयर का सलूशन चल रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन आपको मिल रहा है। आज आपको कुछ और अच्छे क्लास सवाल मिलेंगे अच्छे क्लास के, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा जो बड़े बड़े डाटा के साथ मिलता है, जिसकी लैंग्वेज कुछ बड़ी रहती है, सवाल को रीड करने में आप कितना समय देते हैं, उसको कितना जल्दी सवाल को समझते हैं, उस टाइप के सवाल मैंने आज कलेक्शन बनाया है। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे समझ में आएगा, अच्छे से आएगा, क्योंकि जो हमने आपको बताया ना कि कभी कभी हम लोग क्या होते हैं कि बड़ी बड़ी लैंग्वेज, जो बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल होते हैं, जो आपको वहाँ पे आपको लगता है कि आप यहाँ से सवाल को बाइकट करना चाहते हैं, सवाल को लगाना नहीं चाहते, क्योंकि हिंदी आपको लेंदी लगती है और हिंदी से आप लोग गैस करते होंगे कि सवाल भी लेंदी होगा। जैसा ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसकी जितनी बड़ी हिंदी होती है ना, उतना ही सरल सवाल होता है। तो इस सब तक डाटा के साथ आज हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करेंगे आज आपको मज़ा आएगा। पूरी क्लास अगर आपने ध्यान से समझा है तो आज आपको कुछ अच्छे से सवालों का कलेक्शन मिलेगा और अच्छे अच्छे टाइप से आपको कैलकुलेशन से, मिनिमम कैलकुलेशन के साथ हम आपको आज बताएंगे भी, ठीक है। जो लोग जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपका थोड़ा सा गड़बड़ था, क्योंकि कल मैं लाइव नहीं आ पाया था, वो रिकॉर्डेड क्लास थी, थोड़ा सा पहले इशू हो गया था, इसीलिए कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी। आज वो कंटिन्यू उसी टाइम से करते हैं हम लोग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है और ये सिंप्लीफाई का सवाल, सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है, और सरल करने में आपको यहाँ पे बोडोमॉस का ध्यान में रखना है। जो सिंबल दिए गए हैं उसको विशेष करके आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसी के आधार पर सवाल लगेगा। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ कौन से बच्चे अब प्रेजेंट हुए हैं। सभी को गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से बताइए सबका सवाल, कमेंट करके सवाल का उत्तर बताइए। चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं हम। जिन बच्चों का आ चुका है और जिनका नहीं आया है, कैसे नहीं आएगा या क्या आप गलती कर रहे हैं, गलतियों को सीखना है, गलतियों से सीखना है, ठीक। चलिए सवाल को हम स्टार्ट करते हैं, आज के सवाल को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करना है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए रेखा ब्रैकेट लग रहा, देख रहे हैं यहाँ रेखा ब्रैकेट लिखा, तो सबसे पहले यही हल होगा, ठीक है ना। ये प्लस में, ये भी प्लस में है, तो 12 हो जाएगा माइनस, ठीक है, 6 और प्लस 9 जोड़ देंगे, 9 और 6 जोड़ कर चाहे घटा दो चाहे घटा के जोड़ दो, बात एक ही होगी। 9 छः 15, 15 में से 12 घटाएंगे 3 आएगा, 3 यहाँ 12 में से फिर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, 9 के साथ ये 15 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 24, तो 56 भागे 1/3 ब्रेकेट में हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा। बात को यहाँ ध्यान रखिएगा, हम लोग गलती कर देते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा तो ये इसके साथ गुणा होगा, गुणा जब होगा तो ये कट जाएगा 8 बार जाएगा, यानी हमारा रिजल्ट कितना मिलेगा, रिजल्ट ये मिलेगा कि 56 भागे कितना हो जाएगा 8, 8 से कटेगा 7 टाइम जाएगा, यानी यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन का मान कितना आएगा 7 आएगा, और वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। किसी बच्चे को डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को? चलिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ उस सवाल को, बेहतरीन सवाल है बोडोमॉस का, एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए ये जो दिया गया है, आप देखिए ये रेखा ब्रेकर दिया गया है, ठीक है ना, रेखा ब्रेकर दिया गया है, और रेखा ब्रेकर में आपको पता है अच्छे से कि जो सबसे पहले इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 7 5 12 हो जाएगा, 12 - 6 + 9, ये एक ब्रेकेट हल होगा, सबसे पहले ये ब्रेकेट हल होगा छोटा ब्रेकेट, तो इसको 15 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा। अब इसके बाद देखिए ये मझला ब्रेकेट लगा तो हम इसको कह सकते हैं 15 + 12 - 3, ठीक, ये मझला ब्रेकेट है। अब इसको पहले इसको ब्रेकेट हल करेंगे तो ये तीसरे कार्ड घटा के जोड़ दो चाहे जोड़ के घटा दो, बात एक ही होगी, तो घटा के अगर जोड़ के घटाते हो तो ये हो जाएगा 27 27 में से 3 घटेगा 24 आएगा, चाहे 3 घटा के आप जोड़ दें। अब ये मझला ब्रेकेट है और गुणे 1/3 है और भागे 54 है। अब आप बाद में देखिएगा कि सबसे पहले ब्रेकेट हल होता है भैया बोडोमॉस में,
तो ब्रेकट में यहाँ पे 100 उड़ा होगा तो ये कट जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा। ब्रेकट हट गया तो इसका मतलब 54/8 आ जाएगा, 54/8 का मान क्या आएगा, 7 आएगा। बात समझ गए, गलतियाँ यहाँ पे हम लोग करा सकते हैं क्योंकि हम लोग पहले भाग दे दें, बात समझ गए ना, पहले इसमें भाग दे दें फिर उसके बाद करें तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल बढ़ जाते हैं, बेहतरीन सवाल। ये सवाल आपको अलजेब्रा का है, अलजेब्रा क्या सिंपलीफिकेशन कह सकते हैं इसका। ये सवाल हम आपको बताए हैं अभी, फार्मूले से हम जब सिंपलीफिकेशन बताए थे, फार्मूला बेस्ड सवाल आपको बताया गया था, फार्मूला बेस्ड सवाल, तो वो सवाल में एक अंतर्गत आता है, बेहतरीन सवाल है, जल्दी से बना दीजिए। जल्दी से बना दीजिए सारे बच्चे। देखिए फार्मूला बेस्ड सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं था भाई, यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक फार्मूला बताया गया आपको कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3ABC होता है। लेकिन ये तब कब होता है, जब ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, 0 हो, तभी ये संभव है ना, तभी ये संभव है। और यहाँ पे देखिए अगर हम इसको क्या मान लें, इसको एक्स मान लेते हैं, यहाँ एक्स के फॉर्मेट में, क्योंकि ए मानना उचित नहीं होगा, ए भी मान सकते हो कुछ भी, इसको अगर बी मान ले, एक्स वाई मान ले, इसको जेड मान ले, तो यहाँ पे लिखा है ए क्यूब बाई वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब लिखा गया है। और जब इसको जोड़ेंगे तो ए प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में कट जाएगा, तो इसको आप सान लिख सकते हो, ये जानते हो क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब माई प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बटा, इसको लिख सकते हो 3XYZ लिख सकते हो ना, हमने इसको Z मान लिया, X मान लिया, इसको Y मान लिया, इसके Z मान लिया, इसकी वैल्यू आप 3XYZ लिख सकते हो। लेकिन ये तभी लिख सकते हो जब X प्लस Y प्लस Z बराबर क्या हो, 0 हो। अब यहाँ पे देखिए X प्लस Y प्लस Z बराबर क्या 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि X का मान A माइनस B है, Y का मान B माइनस C है, और C का मान क्या है, Z का मान क्या है, C माइनस A है। ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, प्लस में, कट गया ना, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो इसकी वैल्यू कट जाएगी, इसकी वैल्यू 3XY हो जाएगी, एक्स 3XYZ से 3XYZ कट जाएगा। आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन नंबर एक, क्योंकि कटेगा तो इसका मान 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, आप ध्यान में रखिएगा। अभी बच्चों का 0 उत्तर आ रहा है, 0 नहीं है कि, क्योंकि भागफल में कभी भी 0 नहीं आता, जब 3XY से 3XY काटेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, समझ गए बात ना, समझ में आई। फार्मूला बेस सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था, जिसको फार्मूला पता है वो बेसिक तुरंत लगा लेगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा पूर्ण घन है। पूर्ण घन में 3 0 के साथ एक नंबर भी होना चाहिए घन, तो 3 0 इसमें ये तो हो नहीं सकता है, 1 0 के साथ ये 3 0 है, इसमें भी नहीं हो सकता है, इसमें भी 3 0 है, तो इस 3 0 तो ये क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा, और ये 2 का क्यूब है, ये 2 का 3 का स्क्वायर है, तो ये घन में नहीं है, ये घन रूपी संख्या नहीं है। अब यही उसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि 2 का घन 8 होता है और 10 का घन, इसको अगर फैक्टर करके लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 गुणे 10 की पावर 3, ये इसको गुणा कराएंगे तो 8 ही हज़ार रहेगा। अगला लिख, बेहतरीन सवाल है, जल्दी से बना दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। कई बेसिक सवाल इसको हमने आपको बताया था, उसी फार्मूले के बेस के आधार पे सवाल लगा है, बहुत अच्छे सवाल हैं, चेंज करना आपको। देखिए जो बच्चों का नहीं आया है, काफ़ी बच्चों का आ नहीं रहा है, देखिए हम बता रहे हैं आपको, फार्मूला आपको बताया था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा याद होगा तो बराबर 1 होता है, इसी से लगाना है, इसको चेंज करना है, ये बराबर 1 होता है, तो आप कह सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो ना, चेंज कर सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, उल्टा मैंने लिख दिया है, sec माइनस 1 हो जाएगा ना, sec स्क्वायर
थीटा माइनस वन, ठीक है ना। ये भी आप लिख सकते हो, ये दोनों का चेंज पक्षांतर का नियम है, क्योंकि जब इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस तो हो जाएगा, लेकिन माइनस से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब इसी फॉर्मेट में सवाल को चेंज करेंगे ये, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, सेक की घात चार थीटा। इसमें देखिए कामन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा कामन ले लेते हैं, तो यहां लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसकी जगह हम लिख सकते हैं वन, क्योंकि एक से भाग दे देंगे, इसकी वैल्यू थ्री दिया गया है, ठीक है ना। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं टैन थीटा, क्योंकि हमें टैन के रूप में बताना है। और इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो ना, ये लिख सकते हो इसकी जगह ना, तो इसको लिख सकते हो वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक। और दूसरे ब्रैकेट में इसकी जगह आप लिख सकते हो टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक। अब इसके साथ इसका गुणा होगा, बात ध्यान दीजिएगा यहाँ से, जब इसके साथ इसका गुणा होगा तो टैन टैन स्क्वायर थीटा वन से गुणा होगा तो प्लस ये टैन की घात चार हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अभी थ्री है, कुछ चेंज किया ही नहीं गया, और इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए टैन की घात चार थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थ्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, ये फार्मूला बेस था, चेंज करना था, सेक को जो है वो टैन के फार्मेट पे चेंज करना था, वो आपको अच्छे से फार्मूला बेस पता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल। ऐसा सवाल कल आपने पढ़ा था, बेहतरीन सवाल था, इसमें आपको डेटा देखना है कौन सा इसके लिए सफिशियंट है, निम्नलिखित में से इसको पढ़ना है, कह रहा कोड, कौन सा कोड बताना है, कोड ए सी बी का मान बताना है, ए सी बी का मान कह रहा है कौन से है, तो ये फर्स्ट ग्राफ फर्स्ट है और डी का मान 60 दिया गया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा, इसका एक थ्योरम होती है, ये देखिए ये इसको मिला सकते हैं हम, एक ही जीवा से, एक ही जीवा से परित पर बना कोण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कोण सी कोण डी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक, ये दोनों इक्वल होगा। ये ग्राफ से पता लग रहा है कि कोण सी कोण डी के बराबर है, ये ग्राफ से पता रहा है, यानी फर्स्ट से ये पता लग रहा है कोण सी कोण डी के बराबर है, और कोण सी का मान यक्स है, जहाँ की कोण डी का मान भी क्या दिया गया 60, तो कोण एक्स का मान भी 60 डिग्री होगा, ये दूसरे कॉन्सेप्ट से पता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू चर नंबर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोण अगर इसका मान डी है तो एक्स का मान भी, सॉरी इसका मान 60 है तो इसका मान भी 60 ही होगा। तो यहाँ जो आया आपका उत्तर जो आया है वो फर्स्ट से भी आया है और सेकंड से भी आया है, यानी इसके लिए कौन सा पर्याप्त होगा, दोनों पर्याप्त होगा, सिंगल से नहीं आएगा, ना तो सेकंड से आ सकता है ना तो डे से, ये आप सेकंड फर्स्ट से ये कर सकते हैं कि कोण सी कोण डी के बराबर है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड नहीं होगा, क्योंकि एक्स की जब तक वैल्यू नहीं फाइंड होगी वो डी की वैल्यू, कोण सी का मान जो भी होगा वो कोण डी के मान के बराबर होगा, कोण सी का मान एक्स है तो कोण डी का मान भी एक्स होगा, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, तो एक्स की वैल्यू पता ही नहीं, तो इसलिए एक्स की वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू पता हो गई समझ लीजिए कि 60 डिग्री था, तो इसलिए इसका दोनों सफिशियंट है, ठीक है ना, दोनों से उत्तर आएगा, एक से उत्तर नहीं आएगा। अगला देखते हैं, बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है, जल्दी से बनाइए भाई, बेहतरीन सवाल है। बेहतरीन सवाल है, जल्दी से बनाइए भाई, जोड़ना है इसको, जोड़ना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना। चलिए देखिए, हम आपको बता रहे हैं, हमने इसका दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम मतलब हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी, और एक ब्रैकेट में दूसरे में क्या हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है, ये इसका एलसीएम हो गया, ठीक है।
अब इस क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर इसका इससे गुणा, इसका इसके से गुणा, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो क्या ले जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी है, यहाँ साइन ए प्लस साइन बी है, तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं फिर साइन ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर, बोलिए भाई कोई दिक्कत, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए कॉस ए स्क्वायर प्लस कॉस क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी क्योंकि माइनस दिया गया ना, a माइनस बी होगा ना, माइनस कॉस बी स्क्वायर, कॉस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये प्रोडक्ट, देखिए ये किसी क्या है, हमें क्योंकि फार्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन होता है, इसके इसके साथ इसको जोड़ सकते हैं ना, देखिए ये कॉस ए है साइन ए है, कॉस ए है साइन ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। एक ब्रैकेट में, दूसरे में माइनस का सिंबल लगा दे तो माइनस इसमें भी माइनस इसमें, तो कॉमन ले लिया माइनस, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस साइन कॉस बी, कॉस स्क्वायर बी, ठीक। हर तो वही रहने देंगे, अभी कोई मतलब ही नहीं उसका, कोई हमने किसी सिंपलीफाई तो किया नहीं, माइनस कॉस a और इसका भी क्या हो जाएगा साइन a माइनस साइन b, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भाई स्टूडेंट को समझ में आया, एक ही फार्मूला बन गया साइन इसका, साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक, साइन ए स्क्वायर प्लस साइन ए साइन बी स्क्वायर प्लस साइन कॉस बी स्क्वायर बराबर वन, एक में से एक घट जाएगा जीरो, और जीरो को किसी भी नंबर से आप भाग देंगे उसका मान जीरो ही आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट। बात समझ में आ गई ना, ये देखिए साइन स्क्वायर एक एक और एक में से एक जाएगा, लिख दे रहे हैं भाई, क्योंकि इसका मान एक होगा, एक में से एक जाएगा तो जीरो आएगा, तो आगे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जीरो में किसी भी नंबर से भाग दिया जाए उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी, समझ में आया। क्रॉस प्रोडक्ट किया हमने, तिरछा गुणा कराया, ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो दोनों का प्रोडक्ट जो क्रॉस बना यही तो बना, ए हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ साइन ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर माइनस कॉस बी स्क्वायर। अब इसको दोनों को जोड़ लिया, देखिए प्लस में था तो जुड़ ही गया, ये माइनस यहाँ भी था माइनस यहाँ था, हमने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू वन, इसकी भी वैल्यू वन, लेकिन इस दोनों के बीच का सिंबल क्या लगा, माइनस का सिंबल लगा, तो एक में से एक घटाएंगे जीरो, और जीरो की वैल्यू किसी भी संख्या से भाग दो जीरो आएगा। ठीक, अगला देखिए जल्दी से बता दीजिए भाई फटाक से, कोई दिक्कत जल्दी से बनाइए। इसमें कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह, देखिए ये इसका ठीक अपोजिट है ना, यहाँ भी इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट सही है, ख़त्म नहीं मतलब ए सही है ना, ए मतलब ऑप्शन में कौन सा दिया, बी ऑप्शन में दिया है, ये ध्यान में रखिएगा, बी ऑप्शन में ए दिया गया है, पंसा आकृति सही है तो बी ऑप्शन सही है, बात समझ गए ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वाला पहला आकृति सही है तो पहला आकृति ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए कभी कभी हम ए लगा देते हैं ऑप्शन गलत हो जाता है, ए देखकर ए लगा दिया, बी देखकर बी लगा दिया, तो यहाँ पे देखिएगा ए किस ऑप्शन में बना है तो बी ऑप्शन में बना है, तो इसलिए इसका उत्तर बी सही होगा, ठीक है। 180 डिग्री ठीक अपोजिट कर रहा है ना, 180 डिग्री घुमा रहा है तो अपोजिट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं, जल्दी से बना दीजिए आज फटाफट बताइए। पांच दोस्त के बीच एक केक बांटा जाता है, चार को केक का क्रमशः कितना कितना भाग मिलता है ये दिया गया है, तो कह रहा है पांचवा दोस्त कितना पाएगा, जो बचा होगा वही पांचवा पाएगा, एलसीएम ले लो सबका, 12 12 12 6 का 24 एलसीएम हो जाएगा, 24 में कितना भाग ले लिया इसने, तीन भाग ले लिया ए ने, 24 में से ये किसने ले लिया, चार भाग ले लिया, बी कितना ले, सी तीसरा व्यक्ति कितना ले लिया, 10 भाग ले लिया, चौथा कितना ले लेगा, ए दो भाग ले लेगा, टोटल कितना ले लिया, जोड़ लेंगे 19 भाग, 24 में से 19 भाग ले लिया तो बचा कितना, पाँच भाग, कितने में से 24 में से,
24 में से 5 भाग बचा है, किसके खाते में जाएगा? पांचवा कैंडिडेट के खाते में जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? जी सही। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बता दीजिए अगला सवाल। बता दीजिए भाई फटाफट। चलिए किस बंशों को आया है? कुछ नहीं करना था। दो विपरीत दिशाओं में आ रही इतनी मीटर 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं, 93 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। रेलगाड़ी की चाल बताना है। चाल बराबर आपको पता है दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय, दूरी क्या हो जाएगी? दोनों रेलगाड़ी की जुड़ जाएगी, जुड़ेगी तो कितना हो जाएगी? 310 मीटर हो जाएगी। समय हो जाएगा 9.3, ठीक है। 18/5 से गुणा करा देते हैं, लगे हाथ किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकंड में है। तो जो चाल आएगी वो मीटर पर सेकंड आएगी, 18/5 से गुणा करा देंगे किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है ना। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ जीरो बढ़ा देते हैं। एक बार जाएगा, 10 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 × 6 = 18, 60 बार जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 बार जाएगा, 60 × 2 = 120 किलोमीटर। दोनों की चाल का योग आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि विपरीत दिशा में दोनों की चाल जुड़ती है, तो ये ऐड आएगा यानी। और यही पूछा भी है गाड़ियों की संयुक्त प्रति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, तो दोनों की संयुक्त क्या हो जाएगी? बी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पूछा होता पहली गाड़ी की चाल तो बता भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना, संयुक्त ही बता सकते हैं, क्योंकि अगली की एक ही की भी चाल नहीं पूछा, इसीलिए उसने संयुक्त पूछा भी है। बात समझ रहे हैं ना? अगर संयुक्त तो नहीं पूछा होता ना, अगर मान लीजिए अलग अलग पूछा होता ना, तो यहाँ पे बता नहीं सकते। यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, कौन सा नहीं है? नहीं है, यहाँ पे सवाल गलत लगाया, ठीक है। कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं का एक ही का युग्म कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए, कुछ करना नहीं भाई मेरे। यहाँ पे ये भी सब अभाज्य संख्या दे रही है, देख रहे हैं, सब अभाज्य संख्या है। लेकिन देखिए 71 के बाद 73 अभाज्य संख्या होती है, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या होती है, फिर 7 होती है, 37 के बाद 41 होती है और 43 के बाद 47 होती है। तो इसलिए इसमें डाटा कौन सा गलत है? बी सही है। बी गलत है इनमें से, क्योंकि जो भी इसका जो ऑप्शन बनाया गया वो लगातार बनाया गया। बात समझ रहे हैं? क्योंकि 71 के बाद 72 तो अभाज्य संख्या होती नहीं, 73 होती है। 37 के बाद 38 भी नहीं होता है, 39 भी नहीं होती, 40 भी नहीं होती, 41 होती, मतलब लगातार लिखी गई। ये भी सही हो जाता, जानते हो कब सही होता? जब 3-5 लिखा गया होता या फिर 5-7 लिखा गया होता। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 होती है, उसने डांट कर दिया, इसलिए ये डाटा इसके हिसाब से जो कह रहा है वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लगातार संख्याएं आपको दो अभाग लिखना है। अगला देखिए, बेहतरीन सवाल है यार, टेक्नोमेट्री के कई सवाल आए हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं, जल्दी से बनाइए सब लोग भाई। अच्छे अच्छे सवालों का आज कलेक्शन दिया गया है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1/x से कॉसेक स्क्वायर, इसको आप चेंज कर लो भाई, आसान बन जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, इसको लिख सकते हो यहाँ पे, इसके उल्टा किसका उल्टा जानते हो? साइन का स्क्वायर। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 17/x की, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 + 17 = कितना हो जाएगा? 18। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 18। पूछा क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324। कितना हो जाएगा? 324। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा।
कौन सा? बस उसमें कुछ करना नहीं था, क्योंकि आपको पता है साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो उल्टा को मैंने सीधा कर लिया, वन बाई लिखा था, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर वन होता है, आप लोगों को भी बताया भी गया था। वन प्लस 17 बराबर 18 के, एक्स की वैल्यू 18 आ गई। हमसे एक्स की वैल्यू नहीं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छे अच्छे सवाल आपको मिल रहे हैं आज, जल्दी से बना दीजिए। दो इनलेट पाइप है ए और बी, एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन टंकी भरने के 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने समय लगेगा? तो कुछ करना इसमें है नहीं भाई। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला पाइप ए है जो 22 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप बी है जो 33 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 66 हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी 3, इसकी 2 आ जाएगी। सारे नल खोलेंगे 5 लीटर पानी जाएगा भाई, लेकिन सारे नल साले तक नहीं गिरा, क्योंकि अंतिम 3 घंटे तक पहला नल बंद कर दिया गया है। अगर हम इस पहले नल को ना बंद करें तो पानी कुछ ज़्यादा बंद करेगा ना, इस 3 घंटे पहले ये बंद हो गया है। ये नहीं पता कितने बाद बंद होगा, लेकिन कितना पहले बंद हुआ है, 3 घंटे पहले। तो हम 3 घंटे इसको खोल देते हैं, क्या करेंगे, 3 घंटे जो बंद किया वो खोल दो। खोल देंगे तो 9 लीटर पानी एक्स्ट्रा भरेगा, एक्स्ट्रा भरेगा ना ये, क्योंकि इसको बंद करना था, तो हम इससे एक्स्ट्रा पानी जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 75। अब कोई नल खल बंद नहीं होगा, जब तक चलेंगे सारे चलेंगे, जब तक भरा जाएगा सब खुला रहेगा। तो दोनों खुला रहेगा तो दोनों 1 घंटे में 5 भरते हैं, कितना भरना है, 75। 75 को 5 से भाग दे देंगे, 15 घंटे, 15 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, डी सी। ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही। बात समझ में आ गई ना, डी ऑप्शन। जो बंद कर रहे हैं उसको बंद नहीं करेंगे, खोल देंगे। खोल देंगे तो वो अपने हिस्से का पानी ज़्यादा भर देगा। 3 घंटे पहले इसको बंद किया जा रहा है पहले नल को, तो हमने 3 घंटे तक खोल दिया, 1 घंटे में 3 लीटर, 3 घंटे में 9 लीटर, 9 लीटर पानी एक्स्ट्रा भर दिया वो, तो यानी 75 हो गया। अब कोई नल नहीं खुलेगा, जब तक चलेंगे सारे चलेंगे, और सारे चलेंगे तो 2-3 भरता है, 2 भरता है, 3-2 5 लीटर, 75 भरने में 15 घंटा लगेगा। ठीक है ना, ये सवाल बनाने के लिए किया जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितने लंबी लंबी डाटा के साथ सवाल बना रहा है। देखिए सवाल यहाँ पे आसान से, लेकिन ये सवाल अगर आप चाहेंगे तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कह रहा है कि 25,000 रुपये का निवेश करता है, चाय खरीदता, दुकान खोलता है, उसमें से 30% राशि उसने फर्निशिंग कर दिया फिनिशिंग के लिए, और 20% दुकान के अन्य सामग्री खरीदने में खर्च किया है। अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने धनराशि है? 30% इधर, 20% उधर, 50% धनराशि तो उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, 50 ख़त्म कर दिया, तो 85 तो बचा, 25,000 का 50% बचा, 25 का आधा 50% मतलब हाफ होता है, 25 का हाफ खर्चा कर दिया, हाफ बचा है। 25,000 का हाफ कितना होगा, 12,500। ओरल सवाल है, 12,500 शेष बचेगा, ऑप्शन नंबर एक ख़त्म। जितना भयानक सवाल था उतना सरल हो गया। अरे भाई 30% फिनिशिंग में खर्च किया, 20% दुकान में अन्य सामग्री में खर्च किया, 30-20-50% तो खर्च कर दिया, बचा 85। तो 50 मतलब हाफ होता है ना, 1/2, अपनी धनराशि का आधा हिस्सा भी सेव है, तो 25,000 का आधा हिस्सा 12,500 तो होगा, ख़त्म सवाल। अगला देखिए, बेहतरीन सवाल है, प्रॉफिट लॉस का है, अच्छे अच्छे सवाल आपको प्रॉफिट लॉस में मिल रहे हैं। देखिए ये भी सवाल है, इसको सीपी निकाल के आप निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर विक्रय मूल्य दिया गया है, प्रॉफिट तभी आएगा। हमने आपको एक सवाल ऐसे बताया था कि डायरेक्ट आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो, विक्रय मूल्य से आप सीधा प्रॉफिट निकाल सकते हो, यहाँ आपको सीपी नहीं निकालना है। अब इसका सीपी दिया गया है, देखिए यहाँ से यही समझना था आपको, जब 144 में बेचा था, पहला इसकी सीपी एसपी थी, विक्रय मूल्य था, बाद में यही सामान उसने 189 में बेचा, ठीक। जब इसको बेचा तो क्रय मूल्य से 1/7 का नुकसान हुआ उसे, यानी 7 का सामान 6 में बेचा, तो इसका विक्रय मूल्य 6/7 रहा होगा, और इसका आपको बताना है, ठीक है ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा, बाद में कट जाएगा, तो इसको नीचे लिख सकते हैं हम 7x लिख सकते हैं x, ठीक। 6 से कट जाएगा, कितनी टाइम जाएगा, 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 24 टाइम जाएगा, ठीक है ना। 3 से कट जाएगा, 3 = 8 = 24,
और 3 6 18 और 3 3 9 7 1 7 7 9 63 एक्सेस पल टू बराबर क्या हो जाएगा 9/8। यानी इसका सी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, यानी 8 का सामान वो 9 में बेचेगा, तो 8 का सामान अगर 9 में बेचेगा तो 1/8 का प्रॉफिट होगा, और 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। कितना आता है 12.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही। यहाँ सीपी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्रय मूल्य निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। इसको 100 मान के हमने फ्रैक्शन में इसलिए माना क्योंकि इसका 100 मानना आसान नहीं था, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, हमने इसकी फ्रैक्शन माना। अगर वहाँ डाटा आसान दिया होता 15% 20% तो इसको हम 90% मान लेते, 10% दिया होता यहाँ 90 मान लेते, इसका डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाता, ठीक है, बात समझ में। फ्रैक्शन यहाँ माने इसलिए इसका विक्रय मूल्य भी फ्रैक्शन में आया। देखिए 6 इसका विक्रय मूल्य था, 7 के क्रय में 1 का नुकसान हुआ था, अब यहाँ 8 क्रय मूल्य था, 9 में बेच रहा है तो प्रॉफिट होगा, वो भी कितने का 12.5% का, ठीक है ना। 1/8 का फ्रैक्शन परसेंटेज में कितना होता है 12.5%। चलिए अगला सवाल बना दीजिए, बता रहा है कौन सा डाटा सही है। 9/16 और 13/24 में आपको रिलेशन बताना है कौन सा डाटा सही है, तो पहले दोनों में रिलेशन देख लेते हैं, बाद में अपने आ जाएगा। 9/16 और 13/24 में क्या संबंध, कौन बड़ा कौन छोटा है, दशमलव बढ़ा दिया 0 हो गया, 16 5 80 5 बार जाएगा, बचा कितना 10, 16 6 96 मतलब 0.56 के आसपास अप्रॉक्स आएगा, पॉइंट बढ़ाया 0 बढ़ा, 24 5 120 10 बचा, 0 बढ़ाया 24 4 96। इसकी 0.56 वैल्यू आ रही, इसकी 0.54 आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि ये बड़ा है इससे, ठीक है ना, यानी ये इससे बड़ा है, कौन बड़ा है 9/16 9/16 13/24 से क्या है, बड़ा है, ना तो बराबर है ना कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ा है, क्या है सिर्फ बड़ा है, तो ऑप्शन पहला सही होगा क्योंकि इसमें छोटा दिया है, इसमें छोटा बराबर दिया है या बराबर दिया, ठीक है, सिर्फ 9/16 13/24 से बड़ा है, ना ही बराबर है ना ही छोटा है, ठीक है। चलिए आगे कुछ आसान सवाल भी हैं, जल्दी जल्दी बना दीजिए, बहुत आसान सवाल ये भी है, ठीक है ना। सोहन और रोहित एक का स्थान किसी के काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जिसमें रोहन दिया है 15 दिन में, सोहन कितना दिन में 30 दिन में, ख़त्म सवाल। ए और बी मान लेते हैं रोहन सोहन को 10 दिन में करते हैं, ए अकेले करता है 15 दिन में, तो बी अकेले कितना करेगा ये बताना है आपको, आसान सवाल है, बना दीजिए फट से, कुछ करना है तो मुझवानी भी लगा सकते थे। एलसीएम 30 हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी 3 आ जाएगी, इसकी कार्यक्षमता 2 आ जाएगी, बी की अकेले कितनी आ जाएगी 1, कितना करना है 30 दिन लगेगा। यानी अगर रोहित अकेले 15 दिन में करता है तो रोहन अकेले 15 दिन में करता है तो रोहित कितना दिन में करेगा 30 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। इसका बताना है आपको HCF, इसको आपको बताना HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप क्या ले लेंगे, इसका ले लेंगे क्या HCF और इसका ले लेंगे LCM, ठीक है ना। 2 8 10 12 का HCF 2 हो जाएगा, मतलब 2/2 में आएगा, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये दोनों में है और LCM सबसे बड़ा नंबर होता है, तो इसमें ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना सवाल लगाने का, एक सवाल से भी सवाल बना सकते हो, ज़रूरी थोड़ी ना था पूरा सवाल लगाओ, ठीक है ना। अगला बना देते हैं, ये 3 सवाल है, जल्दी से बनाइए, सवाल कई बार आया है, 11 से विभाजिता का नियम डिजिबलिटी रूल बताया गया है, डिजिबलिटी रूल आपको बताया गया है, बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। सम स्थानों का और विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 का कोई गुणज हो तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, यानी 5 + x योग आएगा और इसका आ जाएगा 6 4 10, दोनों के बीच का डिफरेंस 0 तो वही आ सकता है, 11 का गुणज नहीं आ सकता है ना,
तो दोनों का जीरो तब आएगा जब ये 10 होगा, और 10 का मतलब ये होगा 5, एक्स की वैल्यू क्या होगी 5। बन गया सवाल ख़त्म। एक्स की वैल्यू आ गई 5, ठीक, क्लियर, किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत बताइए, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल, बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, जल्दी से बना दीजिए। कुछ करना नहीं, आसान सवाल है, जल्दी से बना सकते हैं आप लोग। टोटल खर्चा दिया गया है, इसमें कह रहा है मोबाइल फ़ोन का टोटल खर्चा दिया गया है, आपको पूछ रहा है कंपनी एल एम एन को कुल कितनी मोबाइल के निर्माते होगा, तो आपको 30% निकाल लेना है, यानी 12,40,000, ठीक है, का 30% निकाल लेना है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ट्रिपल जीरो, 4×3=12, ट्रिपल जीरो के साथ दो जीरो इकाई है, सब में आ रहा है, ये दोनों में तो नहीं है, इसी दोनों में उत्तर सही है, 12×3=36,137, ठीक है ना, 372 ट्रिपल जीरो, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन को ज़रूर देखते रहते, मैच नहीं किया होता तो वहीं से आगे बढ़ जाते, ठीक है ना। चलिए अगला लगाइए, बेहतरीन सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज का। ₹1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। बेहतरीन कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से आप लोग कैसे बचेंगे, दिमाग की बत्ती जल रही है, हम आपको बताए हैं, अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो डिजिटल सम की वीडियो नहीं देखे हैं तो पछताएंगे, क्योंकि आज ये सवाल लगेगा आसान, आसान भाषा में तभी लगेगा, डिजिटल लगाओ सम, आसान भाषा में सवाल बन जाएगा, डिजिटल सम लगाओ आसान भाषा में सवाल बन जाएगा, वरना कैलकुलेशन कर लो, हम दोनों बताएंगे आज कितना भयानक कैलकुलेशन इसमें होने वाली है। 5% के हिसाब से आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है, अच्छे अच्छे महीने में कैलकुलेशन की जाएगी तो ब्याज की दर 5% हो जाएगी, भाई 6 महीने में 5 ही मिलेगा ना, समय 4 वर्ष 4 बार हो जाएगा, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आएगा वो यही होता है 1,60,000 गुणे 1, दर कितनी हो जाएगी 5% बटा 100 की पावर कितनी हो जाएगी 4 बार हो जाएगी, -1 हो जाएगा, ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। अब यहाँ से आप सोचिए, अगर डिजिटल सम लगा के सवाल बनाना चाहे तो बेसिक पे ही कॉन्सेप्ट ये भी हो जाएगा, 1,60,000 इंटू 1.05 का होल पावर 4 -1, ठीक, ये कैलकुलेशन बचना चाहते हैं वरना गुणा कर लीजिए, 105 बटा 105 गुणे 105 4 बार बटा 100 कट लीजिए, उत्तर आ जाएगा, नहीं करेंगे हम, डिजिटल सम लगाएंगे, डिजिटल सम इसका 7 होगा इंटू इसका 6 होगा, 6 को आप 4 टाइम गुणा कराएंगे, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डिजिटल सम 9 आएगा ना, क्योंकि 3×6=36 हो जाएगा ना, 5×6=36, भाई पॉइंट दशमलव इसमें तो है ही नहीं डिजिटल सम में कोई मतलब, 9 आ गया, 9 को चाहे जितना बार गुणा कराओ 9 ही आएगा, 9-1 यानी 7×8 7×8=56 में ये डिजिटल सम क्या आएगा 11 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 2, जिसका डिजिटल सम 2 होगा वही इसका उत्तर होगा, ये तो खत्म, जिसका डिजिटल सम 2 आएगा वो तो होगी, इसमें डिजिटल सम 3 आ रहा है, 8×4=12, 12×4=16, 16×3=19, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें देखते हैं 8×1=9 3 आ रहा है डिजिटल सम, ये भी नहीं होगा,
इसमें 8 1 9 4 4 8 8 3 11 11 में डिजिटल सम 2 आएगा, यही इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी सही। खत्म सवाल, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना। बोलो भाई, क्लियर हुआ? किसी भाई को दिक्कत हो तो बताइए। बेहतरीन सवाल है, डिजिटल सम से लगाना सीख जाओ। जो बच्चे अभी भी डिजिटल सम वैदिक मैथ नहीं देखे हैं, वीडियो जाके देख लीजिए, 1.25 घंटे की वीडियो है, उसमें आप सीख जाएंगे। इसमें हम आपको समझाए भी हैं, बताए भी हैं, ठीक है। बस उसके साथ एक कंडीशन होती है कि अप्रॉक्स वैल्यू डिजिटल सम में नहीं लगता है, अप्रॉक्स वैल्यू नहीं लगता। इसमें अप्रॉक्स वैल्यू आई नहीं थी तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसीलिए जो बच्चे नहीं हैं, इसका हम लिंक इसमें डलवा दे रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे डिजिटल सम के बारे में नहीं जानते, हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आज हम डलवा देंगे, ठीक है। जो बच्चे अभी नहीं, अभी हम क्लास ओवर होने के बाद हम शुभम से बोल देंगे डिजिटल इसका, अब ये जो है इसका लिंक, हम डिजिटल सम का लिंक हम आपको डलवा देंगे, वो ज़रूर देखिए आप, बहुत काम की चीज़ है वो। कैलकुलेशन बचना है, वरना गुणा कर लो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला बताइए। ए बी सी एक टैंक से जुड़े तीन बल्ब हैं, ए बी सी मिलकर कितने दिन में, 6 घंटे में, बी सी मिलकर इसे 10 घंटे में, और ए सी मिलकर इसे 7.5 घंटे में भर सकते हैं, तो ए अकेले इसे कितने घंटे में भरेगा। चलिए, ए बी कितने घंटे में भरता है, 6 घंटे में, बी सी कितने घंटे में भरता है, 10 घंटे में, सी और ए कितने घंटे में भरता है, 15/2 घंटे में, 7.5 को ऐसे लिख सकते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इसकी 6 आ जाएगी, इसकी 8 आ जाएगी, ठीक। तीनों की कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स आएगा ना, यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, तो हाफ कर देंगे इसकी कैपेसिटी टोटल निकाल के। 24 24 का हाफ कितना हो जाएगा, 12। क्यों हाफ किया गया, क्योंकि 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया, 2 बार, ठीक है। यहाँ पे 2 कैरी करते, वो बात एक ही होती, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, बच्चे को नहीं है। यानी तीनों की कैपेसिटी कितनी आ गई, आप देखिए किसका पूछ रहा, ए का, तो ए का यहीं से निकलेगा ना। बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 करते हैं, जिनकी ए बी सी कितनी करते हैं, 12 करते हैं। तो यहाँ की ए की अकेले की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6, और टोटल कितना करना है, 60, 60/6 मतलब 10 घंटे में। ए अकेले इसे कितने घंटे में पढ़ेगा, 10 घंटे में। ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहला ऑप्शन। समझ में आया, कोई दिक्कत। यहाँ 2 से आपको देखिए कैपेसिटी हमने यहाँ जोड़ा, 10 6 16 8 24 24 का हाफ कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, हमें सिंगल सिंगल निकालना है, तो सिंगल सिंगल की कैपेसिटी आधी हो जाएगी, 24 का आधा 12 हो जाएगा। तीनों मिलकर एक दिन में 12 करते हैं, ए बी मिलकर 10 करते हैं, बी सी मिलकर 6 करते हैं, सी ए मिलकर 8 करते हैं। यहाँ सबका अलग अलग बता सकते हैं हम, लेकिन हमसे ए का पूछा है, तो ए किस में नहीं, बी सी का। बी सी में से अगर ए बी सी घटा देंगे तो ए की कैपेसिटी आ जाएगी, बी सी की कैपेसिटी 6 है, ए बी सी की कैपेसिटी 12 है, 12 में से 6 घटाएंगे 6, और 6 किस कैसी आ जाएगी, ए की। ए एक दिन में 6 काम करता है, 60 करने में 10 दिन लगाएगा, 10 घंटे लगाएगा, ठीक है। एक घंटे में 6 काम करता है, 60 काम करने में 10 घंटे लगाएगा। क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल बनाइए। चलिए अगला सवाल बनाइए, इंग्लिश में लिखा गया है, कुछ कभी कभी आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ लिया करिए, इसीलिए मैंने सवाल के ट्रांसलेट हिंदी में नहीं किया। चलो इसकी मीनिंग हम समझा दे रहे हैं, हिंदी में इसकी मीनिंग हम समझा दे रहे हैं आपको। एक टीवी कह रहा है दिल्ली से, ए ने एक टीवी खरीदी है दिल्ली से, किस में प्राइस में, एक्स प्राइस में। ए डिलीवर वांट टू चंडीगढ़ टू ब्रॉड द टीवी एप, 20% डिस्काउंट पे परचेज की गई है, दिल्ली से 20% डिस्काउंट पे परचेज की गई है और ख़रीदी गई है, और उसको ट्रांसपोर्ट पे खर्च पे 600 रुपये दिया गया, 600 रुपये उसे ट्रांसपोर्ट पे खर्च पे दिया गया है। थर्ड, ही सोल्ड दिस सेट इन दिल्ली आप एक्स मेकिंग 100/7% प्रॉफिट पर बेचा गया है, तो हाउ द वैल्यू ऑफ एक्स की, एक्स की वैल्यू बताना है आपको।
मतलब कहने का मतलब है कि एक सामान, एक टीवी दिल्ली से खरीदी गई एक्स प्राइस में, नहीं पता है, वहाँ से कह रहा है उसे 20% डिस्काउंट पर बेचा गया और उसको दूसरी जगह ले जाने पर क्या गया, चंडीगढ़ में बेचा गया, और दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में उसको ट्रांसपोर्ट खर्च कितना लगा, 600 रुपये लगा, और वो कह रहा है जब दिल्ली वाली प्राइस से कह रहा है वो 100/7 के परसेंट प्रॉफिट पर बेचा है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, एक्स की वैल्यू बतानी है, यही आपका सवाल है। चलिए हम बता दे रहे हैं आप लोग को सवाल। यहाँ पे कह रहा है कि ए ने कोई टीवी खरीदी है, हमने टीवी मान लिया दिल्ली से खरीदी, हमने मान लिया एक्स, एक्स रुपए में दिया भी है, एक्स में खरीदा, और एक्स में खरीदने के बाद कह रहा है उसे चंडीगढ़ एंड द बॉट ऑफ टीवी टू 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट में चंडीगढ़ उसने बेच दिया, तो इसका 20% मतलब कितने में भेज दिया, 4, 20% का मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 में से 5 में से एक हिस्सा डिस्काउंट दे दिया तो 4 बचा, यानी 4x/5, ये डिस्काउंट देने के बाद की प्राइस है या CP है, ठीक। यहाँ से उसने ट्रांसपोर्ट खर्च कर दिया 600 रुपये, अब इसकी टोटल कास्ट प्राइस कितनी आ गई, CP कितनी हो जाएगी, इतनी, ये इसका डिस्काउंट देने के बाद 600 रुपये ट्रांसपोर्ट, यानी इतने रुपए में वो कहाँ पहुँची, चंडीगढ़ पहुँच गई। अब यहाँ दिल्ली वाली प्राइस से कह रहा है उसे 100/7 को लिख सकते हैं 1/7 का प्रॉफिट हो रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू अब जानते हैं 100/7 का, 1/7 प्रॉफिट पर बेच रहा है दिल्ली वाली प्राइस से। इसका मतलब अगर दिल्ली की प्राइस 8 रही होगी तो ये आज की प्राइस कितनी होगी, 7। अब यहाँ से देखिए, ये तो एक प्रॉफिट हो गया, 7 में से एक प्रॉफिट हो गया तो 8 हो गई, दिल्ली की प्राइस 8 रही होगी तो ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं, दिल्ली की जो प्राइस है यानी एक्स की जो वैल्यू है 8 है, 8 की मल्टीफल होगी, यहाँ सारी 8 की मल्टीफल है, इसलिए वो मार्क काम नहीं बन पाएगा, इसलिए आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए हम बता रहे हैं, अब ये आज की CP है, दिल्ली की CP एक्स थी ना, अगर इसकी PP का डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, यानी हम लिख सकते हैं पहले इसकी SP ये थी, आज वो उतनी हो गई, इसको हम सरल भी कर सकते हैं, 4x+600 6 3000 लिख सकते हैं 5/5, ये बराबर है किसके, 8/7 के, बस समझ रहे हैं ना, 8/7 के, क्योंकि ये भी इसकी CP है, ये भी इसकी CP, ये इसकी CP है, इसकी CP, ट्रांसपोर्ट चंडीगढ़ वाला है, दिल्ली वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको क्रॉस यहाँ करेंगे तो 5x हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीफल कर लेते हैं तो ये 5 यहाँ से भी लिख सकते हैं हम, देखिए बात को समझिए, यहाँ से इसको 5x लिख सकते हैं ना, बात देखिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे 35x+ हो जाएगा 8 × 32x बराबर हो जाएगा 8 × 3 = 24000, ठीक है ना, सॉरी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ इक्वल टू लगेगा, ये बराबर होगा 32+ 24000 के, ठीक है ना। पक्षांतर का नियम लगेगा, 3x = 24000 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8000 की, यानी दिल्ली में इस बस को कितने में परचेज किया गया था, तो 8000 में, ऑप्शन नंबर बी सही है, दिल्ली में इसे कितने में खरीदा गया था, तो 8000 रुपये में खरीदा था, ठीक है ना। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, एक बार फिर से समझा दें, देखा दिल्ली में उसने एक्स प्राइस में खरीदा था, उसको कह रहा है ए डीलर वन टू चंडीगढ़ एंड बॉट टू TV जो 20% डिस्काउंट पे खरीदा, एक डीलर जो था चंडीगढ़ से वही TV 20% डिस्काउंट पे खरीदा, तो 20% डिस्काउंट पे खरीदा तो कितने में खरीदा, 4/x में, ठीक। फिर इसके बाद कह रहा है फॉर द प्राइस ऑफ दिल्ली के प्राइस से ही स्पेंड 600 रुपये ऑन ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट खर्चा कर दे दिया 600 रुपये, हमने 600 जोड़ दिया, ये टोटल कास्ट प्राइस है, ये दिल्ली की कास्ट प्राइस है, ये चंडीगढ़ की कास्ट प्राइस है। हाउ द थॉट ही सोल्ड दिस सेट इन दिल्ली ऑफ एक्स मेकिंग 100/7% प्रॉफिट, मतलब कहने का मतलब है दिल्ली की प्राइस से उसने 100/7 पर वो TV को बेच दिया है, तो हमने दिल्ली की प्राइस क्या थी, अगर 7 रही हो चंडीगढ़ की 7 रही होगी, दिल्ली की 8 हो जाएगी ना, 7/1/7 हो जाएगा ना प्रॉफिट, तो हमने मान लिया दिल्ली और ये चंडीगढ़, ठीक है, दोनों की प्राइस का डिफरेंस यहाँ दिया गया, इक्वल कर दिया गया, मैंने कर दिया भाई, दिल्ली / चंडीगढ़ बराबर होगा 8/7 के, वही हमने यहाँ किया है, सरल कर दिया कि 100 ऊपर चला गया,
ठीक है, एक्स की प्राइस आ जाएगी दिल्ली की। चलिए अगला सवाल बना दीजिए, बेहतरीन सवाल है। ए बी सी समांतर हैं, बी सी डी का 72 डिग्री दिया गया है। देखिए यहाँ पे किसका मान दिया है, बी सी डी, बी सी डी ये 72 डिग्री है। अगर ये 72 डिग्री है तो आपको ये ध्यान में रखिएगा, एकांतर खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, कोण ए और कोण डी सी ये आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण, कोण ए का मान भी 72 डिग्री होगा। ठीक है, पूछा क्या भाई, एकांतर खंड के कोण बी ए सी, बी ए सी ये वाला कोण पूछ रहा है ना, ये भी 72 डिग्री होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, एकांतर खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आज इंग्लिश पीछे पड़ गई है, देखते हैं, भागना नहीं है, मैदान छोड़ के भागना थोड़ी ना, इंग्लिश में आएंगे। कह रहा है 720 हाई डिवाइडेड एमंग ए बी सी डी ई, द सम रिसीव्ड बाय देम वाज ए एक्सीडिंग ऑर्डर ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ई रिसीव्ड 40 रुपीज मोर देन ए, हाउ मच डिड बी रिसीव। मतलब कहने का मतलब है 720 रुपए को ए बी सी में समान रूप से बांटा गया है, जबकि कह रहा है इसको कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया, जो पैसा है ए बी सी जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, एंड इन अर्थमेटिक प्रोग्रेस ही रिसीव्ड 40 रुपए देन ए से, मतलब ई जो था यानी चौथा पर्स ई जो था वो ए से 40 रुपए ज़्यादा पाता है, तो बी की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर कुछ करना नहीं था, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ये कह रहा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया, बढ़ते क्रम में लिखा गया। अब कह रहा है इसका इसका डिफरेंस जो आया है, इसका इसका देखिए ई और बी सी का डिफरेंस जो आया है वो 40 रुपये दिया गया। यहाँ पे देखिए कह रहा है ई रिसीव्ड 40 रुपीज मोर देन ए से, ए से जो है वो ई जो है ए से 40 रुपये ज़्यादा पाया, तो 40 रुपीज देन ए से, तो यहाँ इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा 40 है, तो यहाँ 40 का मतलब सबका समान है, चार लोगों में 40 बटा है, सब में एक एक में कितना बटा होगा 10-10 का इंक्रीमेंट लगा होगा, लगा होगा कि नहीं लगा होगा भाई, 10-10 का इंक्रीमेंट लगा ना, तो इसका मतलब अगर हम इसकी वैल्यू एक्स मान लेते हैं तो ये एक्स प्लस 10 हो जाएगा, ये एक्स प्लस 20 हो जाएगा, ये एक्स प्लस 30 हो जाएगा और ये एक्स प्लस 40 हो जाएगा। देखिए इससे ये 40 ज़्यादा है, ठीक है ना, और सारे का योग दिया गया है 720 रुपये, यानी हम इसको लिख सकते हैं 10, 20, 30, 30, 30, 60, 40, 100 ले जाकर उधर घटा देंगे और 5 बराबर भागों में बांट देंगे, 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 620, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 124 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 124, ठीक है, यानी इसको 124 मिलेगा, इससे 110 ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ से अब आपका सबका लगा सकते हैं ना, सबका भी लगा सकते हैं, अगर यहाँ से देखा जाए ए बी सी डी और ई, इसको 124 मिला है, इसको 10 रुपये ज़्यादा मिलेगा 134, इसको 144, इसको 154 और इसको 164, समझ गए ना, ये ए बी सी डी को मिलने वाली राशि है, ठीक है ना, क्लियर हुआ, ये चीज़ें सबका टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा 720 ही आएगा, और ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा भी गया है, ठीक है ना, यही चीज़ इसमें कह रहा है, सवाल लगाने का सवाल यही था, इसके इसके बीच का डिफरेंस 40 दिया था, उसने दिया था तो हमने मान लिया कि चार लोगों में डिफरेंस 40 का, एक लोगों में 10 का आएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो सबको बढ़ते क्रम में लिखा गया होगा, सबका ऑर्डर एक सिस्टमेटिक होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, आज के लिए इतना ही, आज का सवाल समाप्त हो चुका है, 26 हो चुका ना, ठीक है, आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों में शेयर और लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहें, ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।